अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। तो जनाब, आज की जो वीडियो है वो है लिप और चीक टिंट के बारे में, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी आज बीट रूट लिप और चीक टिंट, ठीक है ना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बीट रूट हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। बीट रूट चाहे हम उसको रॉ कंज्यूम करें, चाहे हम कुक्ड खाएँ, चाहे हम उसका जूस पिएँ, ठीक है ना, हर तरीके से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये जो टिंट मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ, ये टिंट जो है आप लोगों की, ना सिर्फ आप लोगों के फेस पर ग्लो लाएगा बल्कि इसको ब्राइट करेगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के फेस पे, चाहे वो एक्नी मार्क्स हों, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो ब्लेमिशेस हों, वो सबको क्लियर आउट करेगा, ठीक है, और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और हाइड्रेट रखेगा। चले चल के देखते हैं कि हम वो टिंट कैसे बना सकते हैं। ये मैंने 100 ml जो है ना बीटरूट जूस लिया है, ठीक है, और अब मैं जो हूँ ना इसको पैन में डालूँगी और मैं तब तक पकाती रहूँगी जब तक जो है इसका पानी खुश्क ना हो जाए, ठीक है। बिल्कुल हम हल्की आँच पे बनाएंगे इसको और इसको स्टर करती रहूँगी मैं, ठीक है। इसको सिर्फ आप लोगों ने जो है ना सिर्फ चमचा चलाना है, ठीक है, और जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए, एवेपोरेट ना हो जाए ना, तब तक इस पर चमचा चलता रहेगा। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका ये कितना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जी, मेरा जो अब वो बीटरूट जूस है वो तकरीबन जो है ना वो होने वाला है रेडी, ठीक है। और आप लोग ये देख सकते हैं कि जितना आप लोगों को जो है ना डार्कर शेड चाहिए होगा उतना ही जो नहीं आप लोग गाढ़ा कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को लाइट चाहिए तो फिर आप इसको पतला ही इसकी रखिएगा, सही है ना। बस देखते रहिएगा कि जले ना, सही है। हल्की हल्की आँच पर जो नहीं है इसको हम करेंगे और ये तकरीबन मेरा रेडी हो चुका है। मैं इसको इस पॉइंट पर छोड़ दूंगी, ठीक है। जब मैं छोड़ूंगी तो जो है ना ये और थिक हो जाएगा, ठीक है, तो मैं अब छोड़ देती हूँ उसको। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बीटरूट टिंट बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो है ना मैं विटामिन ई की ये कैप्सूल डालूंगी इसके अंदर। इससे ये होगा कि विटामिन ई जो है ना वो स्किन को हमारी मॉइस्चराइज भी करता है और ये प्रिजर्व करने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो अब आप, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे मिक्स कर दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको शेड दिखा देती हूँ कि इसका शेड कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये है शेड, सही है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है टेंट, ठीक है। तो जनाब, ये था हमारा होममेड टेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, ये टेंट आप लोग जो है 10 to 12 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं बना के, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग प्लीज़ इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये टेंट। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो आज की लाइक कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ मेरी आईडी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।